अब हम कॉटेज की तरफ जा रहे हैं, कभी आप लोग वेकेशन के लिए आ सकते हो यहाँ पे को। ये है स्विमिंग पूल। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दिन के 1 बजे। तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा हम कहीं जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं बिट्टू, मैं एंड नखधामी। हेलो करो। फाइनली हम रेडी हो गए, 1 बज गए हैं, तो अब निकलते हैं। चलो हम एक दिन के लिए जा रहे हैं, मम्मी को हमारी अबू से याद आने लग गई है। चलो ठीक है, बाय। तो हम फाइनली घर से निकल चुके हैं, हमें जाना छतरपुर। वहाँ हमने एक फार्म हाउस बुक किया है, आज कह सकते हो हम वेकेशन भी बना रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि हम फैमिली, मैं, बिट्टू और नक्श, हम तीनों ही जा रहे हैं। वो वैसे ये जो हमारा प्लान है वो हमारा सडनली बना, ये सबसे पहले रेडी हो गया था। घर से हम निकले हैं, 1:45 हो गया था और अभी हमें कुछ काम था, हम रुक गए थे। तो अब हमें जाते जाते अब 3 बजने वाले हैं। हम लोग पहुंच गए हैं, यहाँ से है एंट्री, इसका नाम था कोहिनूर फार्म। यहाँ है पार्किंग। हमने एंट्री कर ली है अंदर, तो यहाँ पे है ये पार्किंग एरिया, काफी बड़ा है यार, देखो पार्क टाइप का। उधर साइड काफी अच्छा है पार्क साइड का, तो मेरे ख्याल से हमें उधर ही साइड जाना है। अभी नक्शु सोए ये गाड़ी में, तो अभी हम उसको उठाते नहीं है, जब हम जाने लगेंगे यहाँ से तब मैं उसको उठाऊंगी। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा शूट वूट करेंगे और थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी और मैं इस कॉटेज के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो कभी आप लोगों को भी आना हो, कभी आपका से प्लान हो रहा है कि फैमिली के साथ घर से बाहर निकलने का दिल्ली में ही, तो आप लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हो। नक्शु आ जाओ, हम पहुँच गए स्विमिंग पूल। नक्शु तो हमारा सो गया था। गुड मॉर्निंग बाबू। चलो तो यहाँ पे अब बिट्टू निकाल रहे हैं सामान, जो इम्पोर्टेंट है वो ले। चलो तो हमने एंट्री ले ली है, अब हम कॉटेज की तरफ जा रहे हैं। नक्श को देखो, नक्श को मैंने अपना बैग डाल दिया क्योंकि हमारे पास बहुत सारा सामान था, तो मैंने बोला नक्श मेरा बैग पकड़ेगा, तो इसने बोला यस, तो मैंने डाल दिया। क्यूट लग रहा है ना। मेरे ख्याल से यहाँ पे जब शादी कोई होती होगी ना, तो यहाँ पे ये पूरा डेकोरेट होता होगा। बाकी यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे कॉटेज है, मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा तो लग रहा है, मस्त मस्त तो वाइब्स आ रही है, बट अब देखो वीडियो कितने मना पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ और लोग भी रुके हुए हैं दूसरे कॉटेज में, तो देखते हैं कितना हम वीडियो शूट कर पाते हैं। फिर सामने से कोई देखता तो अच्छा भी नहीं लगता है ना, इसलिए। तो ये देखो, ये कॉटेज बने हुए हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 कॉटेजेस हैं। तो ये है यहाँ का पूरा एरिया, आप देख सकते हो कैसा लग रहा है, नाइस ना, अच्छा है। कभी आप लोग वेकेशन के लिए आ सकते हो यहाँ पे को, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। तो हमारा जो कॉटेज है वो ये वाला है, तो ये है हमारा कॉटेज। अभी लाइट का एकदम से एंटर करते इशू होगा, क्योंकि अंदर काफी ज्यादा अच्छी लाइट नहीं है। आर यू एक्साइटेड, गो। ये तो गाइज, ये है हमारा कॉटेज आज का, एक दिन के लिए ये हमारा घर आप कह सकते हो। तो मैं आज वो दिखाती हूँ उसमें क्या क्या है। वैसे यहाँ पे लाइटनिंग की कमी है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, एक मिनट में सामान रख लेती हूँ। तो ये है यहाँ पे का छोटा सा सोफा कम बेड, ये आप इसको रात को सोने के लिए बेड भी बना सकते हैं। अगर आप 2-3 लोगों से ज़्यादा लोग हो तो यहाँ पे आप सोने के लिए से बेड भी बना सकते हो। ये छोटा सा क्यूट से इन्होंने लिविंग रूम में सेटअप तैयार कर रखा है। तो यहाँ पे की ये मेन विंडो है जो कि आपको दिखाएगी बाहर का नज़ारा। तो इसको मैं भी थोड़ा ओपन कर देती हूँ ताकि लाइटनिंग आए, बाकी क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लाइटनिंग बहुत कम वार्म वाली रखी है ना, तो इतना क्लियर आ नहीं रहा है। तो ये यहाँ पे टीवी लगाई इन्होंने साइड में, और ये है माय फेवरेट मिरर छोटा सा। ये है बेडरूम, जो ये हाफ में इन्होंने कंबाइंड किया हुआ है, तो ये बेडरूम है। तो यहाँ पे इन्होंने बेड लगाया है, साइड में छोटे छोटे से टेबल लगाए हुए हैं और लाइटनिंग दी है, ये लैंप लिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा इन्होंने डेकोरेशन के लिए ये लगाया, ये अच्छा लग रहा है। और लाइटनिंग का एक और चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ से बाहर ये है इसका थोड़ा सा जो है, वो सामने है हमारा स्विमिंग पूल जो अभी पानी उसमें भर रहा है, उन्होंने बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको बाहर का दिखाती हूँ। लक्ष्मी पहले ओपन करें बेटा, रुको, 1, 2, 1, go! तो गाइस ये है इसके बाहर का एरिया, ये है स्विमिंग पूल जो अभी भर रहा है, हाँ पानी भर रहा है बेटा।
यस, तो ठंडा ही होगा, गर्म कैसे का? ये तो अभी हम इसमें नहाने वाले, अभी नहीं बट हम इसमें कल नहाएंगे यार, अभी कैसे नहाएंगे इसमें। ये इन्होंने ना पार्टीशन कर रखे हैं हर उसके कॉटेज के ना, एक इस साइड से, एक इस साइड से, और फिर वहां अलग। तो नाइस, अच्छा बनाया इन्होंने, मतलब स्विमिंग भी काफी अपने हिसाब से एक बंदे के उसके लिए काफी अच्छा कर रहा है। और ये रेडी, ये तैयार हो गया है बेटा, भर तो जाने दो उसे, अभी साथ में नहाएंगे ना। तो गाइस ये था हमारा, और मैं अंदर का तुम्हें दिखाती हूँ और चीज, ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम, हाँ वॉशरूम बेटा सही है, ये वॉशरूम है। और ये इन्होंने छोटा सा एरिया यहाँ पे दे रखा है किचन काइंड ऑफ, कि यहाँ पे इन्होंने चिमनी लगा रखी है बट नीचे तो कुछ रखा नहीं है, पता नहीं क्यों, आई थिंक सोपीस के लिए, मुझे नहीं पता। यहाँ पे सिंक है, आप जैसे चाय वाय कुछ पी रहे हो तो वो उसका कर सकते हो। तो ये एरिया यहाँ पे, बट हमने सामान रखने का एरिया बना दिया, हमने यहाँ पूरा सामान सेट कर दिया है नीचे। नक्शे कैसे खुलेगा बताओ, मुझे तो आता नहीं है, नक्शे मुझे सिखा रहा था, वही आपको बताएगा कैसे खुलेगा। कम फास्ट, हाँ शोमी शोमी, ये देखो नक्शे को आते ही नक्शे ने सब रेडी कर लिए यहाँ के, और सब जान लिया क्या कैसे होना है कैसे नहीं होना। और ये है एक छोटा सा यहाँ पे फ्रिज जो दिया है आपके लिए, आपको ठंडा पानी पीना है, ठंडी कोल्ड ड्रिंक रखनी है, जो भी आप जो रखना चाहें वो आप इसमें रख सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं इसका। तो गाइज ये था हमारा बाहर से लेके अंदर तक का कॉटेज का नज़ारा जो हमने आपके साथ शेयर किया है, और ये बहुत प्यारा सा यहाँ पे मैंने जो सेटअप किया है, यहाँ पे मैं बनाऊंगी बहुत सारी रील्स और आपको देखनी है और लाइक भी करनी है, ठीक है। और इन्हें टेबल भी बड़ा अच्छा सा, ये मेरे ख्याल से बॉक्स है, वेट बेटा इसको देखते हैं ये क्या है, इधर से आ जाओ, यस आई एम राइट, एकदम मैं सही थी, ये बॉक्स ही है इन्होंने, लेकिन इन्होंने टेबल में बॉक्स का यूज़ किया है, वो सोच रहे होंगे कुछ रख लेंगे इसके अंदर, मतलब यूटिलाइज हो जाएगा, क्योंकि कम, अगर कम जगह होती है ना तो लोग उसमें इसी तरीके की चीज़ें बनाते हैं ताकि बहुत सारी चीज़ें आ सकें कम स्पेसिस में। जैसे इन्होंने ये बॉक्स जैसा बना दिया, इसमें बहुत सारे सामान आ जाएंगे, पहला नहीं दिखेगा। जैसे ये सोफ़ा है, सोफ़ा कम बेड है, ये बेड भी बन जाएगा, अगर हमें रात को सोने की चाहिए तो हम इसे बेड बना सकते हैं। तो काफी कम जगह में इन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है। इतना यहाँ पर खेल रहा है, ये अपना पूरा लॉन है, एंड हम इधर पे एक रील शूट कर रहे हैं जगह पे, बट जिस तरीके का दिख रहा है ना एक्चुअली उतना यार रील्स में नहीं दिख पा रहा, बिकॉज रील्स में आप दिखाऊँ ना, अगर आपको फ्रेम रील्स में फ्रेम कुछ ऐसा दिख, तो ये जो लुक है ना ये वाला, ये जो रियल आइज में दिख रहा है, इवन इस वाले कैमरे में भी इतना अच्छा लुक नहीं आ रहा जितना हम रियल आइज से इसको फील कर सकते हैं।